इंडिया के लिए सबसे बड़ा घातक तत्व है जावेद भाई। इंडिया में जो भी अनर्थ होते हैं उसका मेन कारण है जावेद भाई। दीप सिंह की हत्या, उसमें भी जावेद भाई का ही हाथ था। उड़ा दे उसको। इस पूरे क्रिकेट स्कैम में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है जावेद इब्राहिम। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। जावेद भाई, जिसका नाम सुनकर पूरा इंडिया कांपता है। मुझे ऐसा शौहर चाहिए जिसका नाम सुनकर जावेद भाई कांप जाए। में हमें आजादी मिली। हमें ब्रिटिश लूट रहे थे, इसीलिए उनसे लड़कर हमने उन्हें देश से भगाया। लेकिन आजादी मिलने के बाद उनसे 1000 गुना ज्यादा अपने ही लोगों ने अपने देश को लूटा है। चुपचाप अपने बेटे को बुलाइए। क्रिकेट स्कैम, गोल्ड स्कैम, चिट फंड स्कैम, और ऐसे ही गद्दारों की पोल खोलने का प्रोग्राम है ये ग्रैंड लीकेज। उस ग्रैंड लीकेज करने वाले को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी। ओ सुन राजा, तुझे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। तू जर्नलिस्ट कम टेररिस्ट ज्यादा लग रहा है। उसका इंटेंशन सही है लेकिन उसका तरीका गलत है सर, और इस वजह से जनता का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। देश के सभी राजनीतिक नेताओं की पतलून गीली हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। उनको यहाँ आने से रोक, नहीं तो तेरे को गाड़ दूंगा मैं। सही समय पर इन गद्दारों को अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अब तुम्हारा खेल खत्म होता है। I've fallen in love with I love. दिल बोले वाह।